पाठ दो, पेड़ और पौधे। पात्र दीपक, दिव्या, तितली, माली। मंच के एक कोने में फूलों के 5 गमले रखे हैं। एक ओर से दीपक और दिव्या का प्रवेश, दूसरी ओर से तितली बनी एक लड़की का प्रवेश। दिव्या, दीपक। वह देख तितली, दीपक देखता है। चल उसे पकड़ते हैं। दीपक, चल। दोनों तितली पकड़ने की कोशिश करते हैं, मगर तितली पकड़ में नहीं आती और वहां से भाग जाती है। दिव्या, दीपक देख कितने सुंदर फूल हैं, चल इन्हें तोड़ते हैं। दीपक, चल। दीपक फूल तोड़ता है तो पौधा ही उखड़ जाता है। दीपक, दिव्या, चल पौधे उखाड़ो खेलते हैं। दिव्या, ठीक है। दोनों 3 गमलों के पौधे उखाड़ डालते हैं। माली का प्रवेश। माली, अरे रुको रुको, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? दीपक, हम पौधे उखाड़ो खेल खेल रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। माली, पौधे उखाड़ना अच्छी बात नहीं है। दीपक, लेकिन मजे की बात तो जरूर है। फिर पौधे उखाड़ने लगता है। माली, अरे अरे बस करो। दिव्या, हाय मैं तो थक गई। दीपक, मुझे तो भूख लगने लगी है। दिव्या, मुझे भी। माली, मेरे पास सब्जी रोटी है, तुम भी खाओगे? दोनों, हाँ। माली जाकर खाने का डिब्बा ले आता है। दोनों खाना खाने लगते हैं। दीपक, धन्यवाद माली चाचा। दिव्या, माली चाचा सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनी है। माली, क्या तुम यह बता सकते हो कि जो सब्जी हम खाते हैं वह कहाँ से आती है? दीपक, सब्जी की दुकान से। माली, सब्जी की दुकान पर कहाँ से आती है? दिव्या, खेतों से। माली, हाँ और खेत में सब्जी लगती है पौधों पर, और तुम दोनों पौधे उखाड़ रहे थे, अब बताओ क्या पौधे उखाड़ना अच्छी बात है? दीपक, लेकिन हम सब्जियों के पौधे नहीं उखाड़ रहे थे, हम तो फूल के पौधे उखाड़ रहे थे और हम फूल थोड़े ही खाते हैं। हंसता है। माली, लेकिन यह तितली, यह मधुमक्खी, ये तो फूलों का रस पीती हैं, यही इनका भोजन है, कई फूलों से तो दवाइयाँ भी बनती हैं। अच्छा तुम्हें पता है ये फूल और पेड़ पौधे हमें क्या क्या चीजें देते हैं? दिव्या, खुशबू। दीपक, छाया, लकड़ी। माली, हाँ ये तो देते ही है, किंतु एक जरूरी चीज और देते हैं जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। दोनों सोचते हैं, हमें नहीं पता। माली, दोनों अपनी अपनी नाक बंद करो और मुंह भी। दोनों नाक और मुंह बंद करते हैं पर तुरंत घबराकर हाथ हटा लेते हैं। दीपक, हाय मुझे तो सांस ही नहीं आ रही थी। दिव्या, मेरा तो दम ही घुट गया। माली, हाँ यह जो तुम्हें सांस नहीं आ रही थी और तुम्हारा दम घुट रहा था, यह ऑक्सीजन ना मिलने के कारण था, और यह ऑक्सीजन हमें पेड़ पौधों से मिलती है। दोनों हैरानी के साथ, पेड़ पौधों से। माली, हाँ। दीपक, इसका मतलब अगर पेड़ पौधे ना हो तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। दिव्या, तब तो हमारा दम घुट जाएगा, हम मर जाएंगे। माली, हाँ बच्चों, हम जो सांस लेते हैं वह ऑक्सीजन है, और जो सांस हम छोड़ते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये पेड़ पौधे अशुद्ध वायु कार्बन डाइऑक्साइड तो खुद पी जाते हैं और हमें शुद्ध वायु देते हैं जिसमें ऑक्सीजन होती है। दीपक, या तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, अब हम कभी भी पेड़ पौधों को नहीं उखाड़ेंगे। माली, शाबाश, और जो उखाड़े उन्हें मना करो, साथ ही अपने घर के आसपास की खाली जमीन में पौधे लगाओ, पौधों में निरंतर पानी दो, उनकी
देखभाल करो। दिव्या, ठीक है माली चाचा, हम ऐसा ही करेंगे। दीपक, दिव्या चल अब घर चलते हैं, हम बहुत देर से घर से बाहर खेल रहे हैं। दिव्या और दीपक का मंच से प्रस्थान।